नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आप इसका PDF आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। यह शांति और साझा करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक विचार पर विचार करके और इसे बढ़ावा देकर शांति के संदेश को एकजुट करना और फैलाना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है, ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया जा सके। अगला है, 1 तारीख को विश्व शांति दिवस वर्ल्ड डे ऑफ पीस मनाया जाता है। 1 जनवरी को विश्व शांति का दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन पोप एक विशेष संदेश देता है जिसे दुनिया भर के सभी विदेश मंत्रियों को भेजा जाता है और जो आने वाले वर्ष के लिए पवित्र दृश्य के राजनयिक स्वर को इंगित करता है। आपको इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिसे कभी कभी अनौपचारिक रूप से विश्व शांति दिवस के रूप में जाना जाता है 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अवकाश है। आपको बता दें इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर और वर्ल्ड डे ऑफ पीस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। यह एक सिख त्यौहार है जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक उत्सव है जिसमें समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना विहार भारत में हुआ था। उनका जन्मदिन कभी कभी दिसंबर या जनवरी या ग्रेगोरियन कैलेंडर में दोनों महीनों में पड़ता है। गुरु के जन्मदिन का वार्षिक उत्सव नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। 2 जनवरी को ही मन्नन जयंती मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को केरला राज्य में एक क्षेत्रीय भारतीय अवकाश है। अगला है, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्मदिन है। यह दिन नेत्रहीन और दृष्टि बाधक लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने में लुईस ब्रेल के योगदान को याद किया जाता है। ब्रेल एक कोड है जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सतह पर धक्कों और इंडेंटेशन का उपयोग करता है जिसे स्पर्श द्वारा पहचाना जा सकता है। लुईस ब्रेल एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो बहुत कम उम्र में एक दुर्घटना में अंधा हो गया था, इन्हें इसका आविष्कार किया था। अगला है, 6 जनवरी युद्ध के अनाथों के विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस। युद्ध के अनाथों के विश्व दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS एनफेंटस एंड ड्रिटेस द्वारा की गई थी। प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को आयोजित यह विशेष दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विशेष रूप से कमजोर समूह की दुर्दशा को पहचानने में सक्षम बनाता है। अगला है, 8 जनवरी 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाता है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस सैंग की स्थापना 8 जनवरी 1912 में ब्लोमफेटिन में जॉन लेगलीवेल डवे द्वारा की गई थी। इसके पीछे प्राथमिक मकसद काले और मिश्रित जाति के अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना या अफ्रीकी लोगों को एकजुट करना और मौलिक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संघर्ष करना था। अगला है, 9 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेसिडेंट इंडियन डे NRI दिवस मनाया जाता है। NRI या प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई महात्मा गांधी की वापसी की भी याद दिलाता है। अगला है, 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 1975 से भारत, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनाद और टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था।
तब से यह हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। बता दें हिंदी दिवस भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 11 जनवरी। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्डिक अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था क्योंकि स्वामी जी के दर्शन और उनके लिए काम करने वाले आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। उन्होंने शिकागो में विश्व के धर्मों की संसद में भाषण दिया था और भारत का नाम रोशन किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वैश्विक समाज को बढ़ाने में दुनिया के युवाओं के प्रयासों को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र यूएन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में मार्शल कोडेंडेडा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बुचूर अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का या आजाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेशों से एक भारतीय राष्ट्रीय बल का नेतृत्व किया था। अगला है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। अगला है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को भूमि के सर्वोच्च कानून के रूप में अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रस्तावित किया। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। इस दिन राजपथ दिल्ली में हर साल सबसे बड़ी परेड होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए कस्टम संगठन द्वारा 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह उन कार्य स्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो कस्टम अधिकारी अपनी नौकरियां में करते हैं। अगला है 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि भी अर्जित की है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है। इन्होंने नेशनल बैंक की नींव रखी थी।
अगला है डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे या डेटा सुरक्षा दिवस, डाटा प्रोटेक्शन डे एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है जो हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस का उद्देश्य गोपनीयता को बढ़ाना और गोपनीयता और डेटा संरक्षण सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इजराइल और 47 यूरोपीय देशों में मनाया जाता है। अगला है 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मार्टायर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी और भारत के तीन क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी और 23 मार्च को राष्ट्र के भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे तीन वीरों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, जिसे शहादत दिवस कहते थे। अगला है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लिप्रोसी इरेडिक्शन डे। बच्चों में कुष्ठ रोग संबंधी विकलांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, लेकिन रोग के लंबे समय तक रहने के बाद होती है। चलिए देखते हैं एग्जामों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? When was the data privacy day is celebrated? इसका सही उत्तर है 28 जनवरी, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? International Custom Day is celebrated on which day? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका सही उत्तर है 25 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका सही उत्तर है 12 अगस्त, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सही उत्तर है 15 जनवरी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका सही उत्तर है 4 जनवरी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? डाटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका पहला ऑप्शन है 28 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 19 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 21 जनवरी। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।